जरा सा पानी आता है पूरा रोड जो है एकदम पूरा गली एकदम भर जाता है, निकलना बहुत मुश्किल लगता है। मतलब डॉक्टर आयशा फातिमा भी दावा कर रही है? हाँ बिल्कुल कर सकती है दावा, रेडी से है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। उस लाइक वो फिल्म बना रहे हैं मुंबई में भाई, फिल्म बनाने, हाँ फिल्म बनाने चले गए मुंबई। जाम का समस्या तो इतना आ गया पूछिए मत, दिन भर एक्सीडेंट होते ही रहता कहीं ना कहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ विधानसभा में है और आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव है 25 का, उसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। सारे नेता मंत्री क्षेत्र में भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया है। इसी क्रम में आज हम बिहार शरीफ विधानसभा में हैं और क्या कुछ बिहार शरीफ विधानसभा में विकास हुआ है जो स्थानीय जो प्रेजेंट में जो विधायक है उनके द्वारा, हमारे साथ तमाम लोग बातचीत करने के लिए है। और इसी क्रम में आरजेडी से डॉक्टर आयशा फातिमा भी दावा कर रही है कि अगर हमको टिकट मिलती है तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और बिहार शरीफ विधानसभा को स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। तो बिहार शरीफ के जो जनता है क्या सोचते हैं उनके बारे में चलिए खुद बात करके जानते हैं। यहाँ पे कुछ काम हुआ है विधायक जी के द्वारा, कुछ विकास हुआ है जो प्रेजेंट में जो विधायक हैं? हमको तो नहीं लगता, हम हबीपुरा में रहते हैं, गली रोड तो खराब है, कोई व्यवस्था नहीं, गली जाके देख लिया, हबीपुरा मोगल को नीचे जाता आशानगर रोड, जिसमें विधायक जी आशानगर के ही है, कुछ नहीं नज़र, कहाँ कोई नहीं, तो कुछ काम भी नहीं किए होंगे? नहीं, रोड पूरा उबड़ा खबड़ा है, टूटा फूटा है, रोड टूटा फूटा है, और क्या दूसरा लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? जरूर मिलना चाहिए। आयशा फातिमा भी दावा कर रही है आरजेडी से अगर टिकट मिलता है तो आएंगे और बड़ा बड़ा बात बोल रही है कि बिहार शरीफ को हम स्वर्ग बना देंगे, सुंदर बना देंगे, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या बोले मैडम, कर देंगे तो बहुत अच्छा बात है, कर देंगे बहुत अच्छा बात है। हाँ मौका मिलेगा तब ना? जरूर मौका मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। मैम आपका क्या नाम हुआ? हम हाउसवाइफ हैं। अच्छा, और हाउसवाइफ हैं, कोई बात नहीं। कुछ काम हुआ है विधायक जी के द्वारा इधर में? देखिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर तो सेम वैसे ही हालत है जैसे पहले था, वैसे ही है। हाँ हालत खराब है। हाँ नली वगैरह सबका पानी तो वैसे ही ये होता है, उसमें तो जरा सा पानी आता है पूरा रोड जो है एकदम पूरा गली एकदम भर जाता है, निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो कुछ काम नहीं हुआ विधायक जी? नहीं। तो अभी चुनाव है 2025 में, काफ़ी नज़दीक है। हाँ। और डॉक्टर आयशा फातिमा भी दावा कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा मौका तो मिलना चाहिए जरूर, अब जो पहले से हैं वो तो मतलब ये किए नहीं हैं, मतलब तो, बदलाव की जरूरत? हाँ बदलाव की जरूरत है। कुछ भी काम नहीं हुआ है उनके द्वारा? नहीं, अब तो अभी तो हाल में ही बारिश का पानी आया हुआ था तो पूरा रोड तो एकदम वैसे का वैसे। ऐसे विधायक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम जो कि काम ही नहीं करते? क्या बोले नहीं, बदलाव चाहिए, बदलाव तो चाहिए ही इसमें तो। मेरा नाम मोहम्मद ईसा खान हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप यही से हैं ना? जी प्रॉपर बिहार शरीफ से हैं। क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? बस एक ब्रिज का काम चल रहा है, उसके बाद अभी रोड का तो ऐसा कोई काम है नहीं। विधायक जी के जो फंड से काम होता है वो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ? हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, आधा अधूरा है क्या? हाँ ऐसा ही है, उभरा ही नहीं हुआ। नहीं आधा अधूरा ही समझिए। अच्छा तो क्या आप लोग कुछ काम चाहते हैं? काम नहीं चाहते, रोड चौड़ा हो, रोड का चौड़ीकरण हो, गंदगी साफ हो। जी जाम का भी समस्या? जाम का समस्या तो इतना आ गया पूछिए मत। दिन भर एक्सीडेंट होता ही रहता है कहीं ना कहीं पे। एक्सीडेंट होते रहता? बिल्कुल होते रहता है, टोटो इतना शहर में हो गया है कि आदमी के चलने का जगह तक नहीं है शहर में। और इतने आप देख सकते हैं कितना चौड़ा सड़क है, इसमें देख आप खुद देख महसूस कीजिए क्या है नहीं है। एक बस अगर सरकारी आती है तो समझिए जाम लगना तय है। यहाँ पे मुझे नए लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? बिल्कुल बिल्कुल नए लोगों में बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। क्या ऑप्शन में क्या है? मतलब डॉक्टर आयशा फातिमा भी दावा कर रही है? हाँ बिल्कुल कर सकती है दावा, रेडी से है? हाँ बिल्कुल कर सकती है, उस लाइक वो है। हाँ बिल्कुल, हम उनको निजी तरीके से जानते हैं वो उस लाइक। बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे? हाँ नहीं जानते, भरोसा है कि काम, लेकिन जब काम करेंगे तो सब लोग जानेंगे। आप लोग साथ देंगे तब ना काम? बिल्कुल साथ देंगे, हम उनके साथ हैं। साथ है आप? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। अच्छा नौशाद जी, ये बताइए कि विधायक जी कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ये क्या बात? अरे वो दिखते भी नहीं है मार्केट, दिखते भी नहीं है। नहीं हम तो पहचानते भी नहीं कौन है विधायक। वोट देने के टाइम पहचानते? खाली नाम नाम सुने थे, वोट देने के टाइम तो शायद हाथ जोड़ के आए थे, तो हम पहचानते भी नहीं है कि कौन है भाई विधायक यहाँ के, देखे नहीं। तो किसको जिता दिया है यहाँ से? तो डॉक्टर सुनील साहब जीते हैं ना। अच्छा विधायक ये भी पता नहीं है आपको? हाँ।
वही पता है काम किए हैं कि नहीं। अरे काम ही नहीं किए तो देखे तब ने भाई, हाँ दिखे था ना काम करिए। तो विधायक है ना, हाँ इसलिए नहीं दिखते, हाँ इसीलिए नहीं दिखते हैं। वो फिल्म बना रहे हैं मुंबई में भाई, फिल्म बनाने, हाँ फिल्म बनाने चले गए मुंबई। आप ही लोग ने जीता के बेच दिए। अरे तो हम लोग सोचा कि हम लोग फिल्म लाइन में घुसेंगे, एक दूटो हीरोइन से भेंट कराई है, पता नहीं चला। चेहरा में कौन आएगा इस बार? अब इस बार नए चेहरा में देखिए जो काम कर रहा है उसको चुना जाएगा। डॉक्टर आयशा फातिमा को जानते हैं? वो दावा कर रही है आरजेडी से टिकट मिलने वाला है। हाँ तो उनको तो जिताएंगे जिताएंगे, वो जमीनी, हाँ जमीनी आदमी, बहुत से गरीबों का उन्होंने शादी करवाया, बहुत सारा काम करवाया, समाज सेवा भी करती, हाँ समाज सेवा बेहतरीन ढंग से समाज सेवा करती हैं।